जयनगर मधुबनी एसएसबी 48वीं बटालियन मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी एकेसी सिंह ने जयनगर एसएसबी मुख्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने मौजूद पदाधिकारियों को सीमा पर तस्करी के रोकथाम के लिए सीमा पर निगरानी रखने की बात कही, लेकिन सच तो ये है कि आज भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी के द्वारा सीमा सुरक्षा महज दिखावा माना जा रहा है। सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सीमा की सुरक्षा भगवान भरोसे। जयनगर लदनिया एवं बासुपट्टी थाना क्षेत्र से लगने वाली सीमावर्ती इलाकों में बंगर पैमाने पर जारी है शराब अन्य सामग्री की तस्करी, लेकिन सीमा सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा तैनात एसएसबी इसे रोकने में नाकाम रही है। सूत्रों की माने तो भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या रहा बेतौनहा अकौनहा उसराही देवधा भदौंग कमला समेत अन्य बीओपी के रास्ते दिन हो या रात गांजा शराब काली मिर्च कपड़ा खाद्य पदार्थों मोटरसाइकिल पार्ट्स नशीली दवाओं की तस्करी बेरुकटोक जारी है। सूत्रों ने बताया कि मजे की बात यह है कि इस काम अंजाम तक पहुंचाने के लिए बाहरी व्यक्ति के द्वारा महीना वसूली की जाती है। हर लाखी मधुबनी संवाददाता चोरी छिपे अपनी प्रेमिका से मिलना एक युवक को बड़ा महंगा पड़ गया। लोगों ने युवक को पकड़कर बिजली के पोल में बांध दिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। अगर समय पर वहां पुलिस नहीं पहुंचती तो युवक की जान खतरे में भी पड़ सकती थी। पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में उमगांव पीएचसी में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के बाद युवक को पूरी रात पुलिस हिरासत में ही रखा गया। मामला हरलाखी थाना इलाके के दुर्गापट्टी गांव की शुक्रवार देर रात की है। घायल युवक की पहचान इसी थाना इलाके के उमगांव निवासी कुशेन सहनी के 22 वर्षीय पुत्र राकेश सहनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक शुक्रवार की रात इसी थाना इलाके के दुर्गापट्टी गांव के एक मोहल्ले में बाइक से बार बार चक्कर लगा रहा था। लोगों का कहना है कि वे काफी देर से फोन पर किसी से बात भी कर रहा था। बात करते करते वह एक आदमी के घर में घुस गया। आसपास के लोगों ने पहले से ही उसकी हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। युवक जब काफी देर के बाद भी उस घर से नहीं निकला तो लोगों को संदेह होने लगा। आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो घर के सदस्यों ने ग्रामीणों के सहयोग से युवक को पकड़ लिया। लोगों ने युवक को गले में रस्सी डालकर एक बिजली के पोल में बांध दिया और जमकर उसकी धुनाई करनी शुरू कर दी। पिटाई से युवक लहूलुहान भी हो गया। युवक की बेरहमी से पिटाई होते देख कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को उमगांव अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की पहल पर मामले को रफा दाफा कर दिया गया। हरलाखी से अब्दुल माजिद की खबर। रेमंड शॉप एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग रेंज में सूटिंग शर्टिंग सूट रेडीमेड टाई टॉवल बेल्ट एक्सेसरीज और भी बहुत कुछ मिल रहा है। साथ ही कस्टम टेलरिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है वीर कुंवर सिंह चौक मेन रोड जयनगर। जयनगर मधुबनी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा समेत अन्य मांगों को लेकर जनवरी अधिकार पार्टी लोग के द्वारा घोषित बिहार बंद के आह्वान पर आज जाप कार्यकर्ताओं ने जयनगर शहरी क्षेत्रों में सभी दुकानों को बंद कराया। प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव की अध्यक्षता में मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से दुकानों को बंद कराया। Thank you.
बंद करवा रहे हैं। हम लोग जिला लेवल पे भी काम कर रहे हैं और प्रखंड लेवल पे, प्रखंड में भी हम लोग बंद करवा रहे हैं। जयनगर हो, बासोपति हो, खजौली हो, मधुबनी में पूरा चक्का जाम है, पूरा बंद है। यहाँ भी पूरा मार्केट बंद है और पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार नेतृत्व करेगा। अगला आने वाला विधानसभा हो या लोकसभा हो, और पप्पू यादव जिंदाबाद और अधिकार पार्टी जिंदाबाद। मांग क्या आपका, किस मांग को लेकर? मांग है पूरे बिहार विशेष राज्य की दर्जा को लेकर, विशेष राज्य की दर्जा जो है। तो सबसे पहला फर्स्ट मांग है अत्याचार लाचार व्यक्ति, देख लीजिए आप क्या स्थिति है पूरे बिहार के अंदर क्या हो रहा है। तो मांग मेरा विशेष राज्य का दर्जा है, सबसे पहला फर्स्ट मांग है। जन अधिकार पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, नीतीश कुमार कुर्सी बचाने के चक्कर में वो मस्त है। अरे दूसरा तो अपने पुत्र की ताजपोशी में मन मस्त है। बिहार में अगर कोई बिहार में विपक्ष की भूमिका में है तो वो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जिसके संरक्षक है वो पार्टी। अभी बिहार में विपक्ष के मेन मांगे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार के 11 करोड़ जनता के साथ नीतीश कुमार इसी ग्राम से बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़े थे और उनका नेतृत्व किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाने के बाद वो बीजेपी गठबंधन में है, फिर भी बिहार राज्य की दर्जा की मांग नहीं कर रहे हैं। बिहार राज्य तीन तरफ से बाढ़ से घिरा है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। मुख्य मांग जन अधिकार पार्टी की यही है। पूरे बिहार में विशेष राज्य के दर्जा के लिए पूरा बिहार बंद है। इसमें जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जो बिहार को विशेष राज्य को दर्जा दिलवाएंगे। जब नीतीश कुमार जी से चुनाव लड़ा हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हुआ था तो मैंने विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। अभी अभी बीजेपी गठबंधन के गोदी में जाकर छुप गया है और आरजेडी गठबंधन अपना बेटा के अपने पुत्र के मोह माया में चल रहा है। हम लोगों का मांग है पूरा बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। हम लोग केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या नाम हो गया? अवधेश कुमार यादव। क्या हो गया? अवधेश कुमार यादव प्रखंड अध्यक्ष। घोकरडीहा मधुबनी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की एक सूत्री मांग को लेकर जनवरी अधिकार पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर शनिवार को जापके स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव गौरी शंकर यादव के नेतृत्व में घोकरडीहा बाजार को शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया। इस दौरान बाजार क्षेत्र में जुलूस भी निकाला गया जिसमें कार्यकर्ताओं ने लड़कर लेंगे मरकर लेंगे विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे जैसे नारा लगाते रहे। प्रदेश महासचिव श्री यादव ने कहा कि बिहार विकास के इस दौर में देश की अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा राज्य है, जिसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा देना अति आवश्यक है। जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। बाबूबही से जयलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चक्का जाम और बिहार बंद का कार्यक्रम था, संपूर्ण बिहार में जोर शोर से चला और इसकी सफलता तमाम जनकार के कार्यकर्ता और नेता को जा रहा है। जो बिहार के साथ छलावा हुआ है नीतीश और मोदी की सरकार जो घोषणा करके इस बिहार को आज विकास के रास्ते से अवरुद्ध कर रही है, इसकी जनकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता के समस्या को मुद्दा को लेके आज सड़क पर आई है। School, I love my school. I love my school. Tring tring देखो घंटी बजी है, खेल कूदने पलटन चली है। टीचर मेरी कितनी प्यारी, दोस्त मेरे कितने सारे। Oh, it's so cool. I love जयनगर सिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जयनगर और आसपास की खबरें सबसे पहले आपको मिले। जयनगर सिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जयनगर और आसपास की खबरें सबसे पहले आपको मिले।